बारे में। देखो क्या कहता है अपने को, ये अपने को ये कहता है बेटा कि देखो एक छोटा सा रेशियो है बस, कुछ बहुत खास बात है नहीं। देखो ये हमें क्या कहता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक सिलेंडर है। क्या है बेटा? एक सिलेंडर। देखो ये सिलेंडर मान लो यहाँ पर, अरे यार एक सिलेंडर मानना है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहला काम मान लो कि मैंने बोला तुम्हें कि ये हमारा यहाँ पर सिलेंडर है, ठीक है बेटा, ऐसा कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा सिलेंडर है। और इस पर मैं क्या कह रहा हूँ बेटा तुम्हें कि मैं यहाँ पर कुछ W फोर्स लगा रहा हूँ। कितना फोर्स लगा रहा हूँ मैं? W, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, अब आप सोचो कि इसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ जो है वो L है, ठीक है, और इसका डायमीटर जो है वो आप D मान लो, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना मान लो अभी क्या भैया? पढ़ा रहे हो? हाँ, नया पॉइजन, टॉपिक पढ़ा रहे हो? ठीक। पॉइजन्स रेशियो। हाँ सर ठीक है, तो देखो क्या ये बोला। डब्ल्यू अबे बता दीजिए क्या है? फोर्स है बेटा, फोर्स जो लगा रहा हूं जिसकी वजह से एक्सटेंशन होगा, वही वाला एफ लिख लो यार तुम, ठीक है, एफ लिखो बेटा, ठीक है, एफ फोर्स लगा रहा हूं मैं, ये एक्सटेंशन हो रहा है। तो ऐसा सोचो कि अगर इसमें एक्सटेंशन होगा बेटा तो इसकी लेंथ तो बदलेगी, और अगर लेंथ बदलेगी तो क्या डायमीटर भी चेंज हो जाएगा इसका? सोच के बताओ मुझे, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहना है ना। तो अगर हाँ इस सर, लेंथ में बदलाव आएगा तो क्या इसका डायमीटर भी चेंज होगा? तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो सिस्टम है मेरा, ये कुछ ऐसा बन यस जाए, ऐसा बन जाएगा ये। सर, और यस सर, ये जो मतलब मैं कह देता हूं कि इसका जो नया वो है वो डेल्टा एल है, और जो नया डायमीटर है वो है स्मॉल डी। पुराना डायमीटर मैंने कितना बोला था बेटा? कैपिटल डी है ना। मतलब अब इसे लिख भी देता हूं मैं, देखो यहां से सर लेकर दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि एरिया लिख लो, डायमीटर से ज्यादा अच्छा है। नहीं बेटा नहीं, तो फिर पॉइजन रेशियो फिर कैसे मिलेगा तुम्हें? ये डी स्मॉल डी, और ये मेरा क्या हो गया बेटा? कैपिटल डी, ठीक है, ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी, ठीक। ये फोर्स लगा रहे हैं, लेंथ में जो चेंज आ रहा है वो डेल्टा एल आ रहा है, ओरिजिनल लेंथ एल आ रहा है। तो एक पॉइजन आपने एक रेशियो डिफाइन किया है जिसे हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, वो पता है कितना क्या होता है? वो होता है बेटा, देखो पॉइजन रेशियो जो होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है देखो, रेशियो ऑफ डायमीटर अपॉन रेशियो ऑफ लेंथ। मतलब क्या? स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन, ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये वाला जो रेशियो बेटा इसे हम पॉइजन रेशियो कहते हैं। समझ आई बात? सर नहीं इससे आई? हम बलून को कंपेयर कर सकते हैं? इसको बलून को भी खींच दो तो थोड़ा सा पतला हो जाता बलून, क्योंकि उसको भी खींच दे तो वो भी तो पतला हो जाता है। बलून की बात ही अलग है ना, उसमें तो पूरे पूरे उसमें चेंज आ जाता है ना यार, सीधे वॉल्यूम में ही चेंज आते हैं। यहाँ वॉल्यूम में चेंज की बात हो, बलून पहले होता है छोटा है ना, उसमें हवा भर दो तो बड़ा हो जाता है, तो नो उसके सर, मतलब हवा भरने के बाद फिर हम उसको जब एक्सटेंड मतलब कि दबाएंगे तब का बात बोल रहा हूँ सर, हवा फूट जाएगा भरने के बेटा बाद। वो, उसमें तो फिर वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच जाएगा वो, ठीक है। तो सर इसमें वॉल्यूम को सेम कंसीडर करना है पॉइजन लॉ में? वॉल्यूम कॉन्स्ट बेटा, तुमने मान लो एक सिलेंडर ले लिया और उसे तुम एक्सटेंड कर रहे हो, तो इसमें वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा ना, क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो, मतलब वॉल्यूम क्या होता है? मैटर कंटेंट ना, तो मैटर कंटेंट तुम थोड़ी चेंज कर रहे हो यहाँ का, इसका मतलब जितनी ये जगह ले रहा है वो थोड़ी बदल रहे हो। अगर तुम मान रहे हो कि जो हमारा टेम्परेचर है वो अगर कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे तो कुछ वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। यस सर, सेम हाँ, रहेगा। तो बस यही, तो ये हमारा जो रेशियो था ये पॉइजन रेशियो था, ठीक है। सर ये कैपिटल डी और स्मॉल डी क्या? ये कैपिटल डी है बेटा ओरिजिनल डायमीटर, और स्मॉल डी है एक्सटेंड होने के बाद जो डायमीटर है वो, सर ठीक है। कंप्रेस देखो होने के बाद? मतलब एक ही बात है, डायमीटर लेवल से वो कंप्रेस हो रहा है, डायमीटर उसकी उसका कम हो रहा है, लेकिन लेंथ तो बढ़ रहा है, तो मैं एक्सटेंड भी तो कह सकता हूँ। ठीक है सर, ये ये बात समझ आया आ रही कैसे बात सर, एक क्या बार बता दोगे ये आया कैसे? बेटा? पॉइजन साहब जो थे उन्होंने ये रेशियो डिफाइन किया था, साइंटिस्ट का नाम है ये पॉइजन, पता तुम्हें? उसने ये डिफाइन किया था कि ये एक रेशियो होता है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी ओवर डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल, ठीक है।